Hi guys, what's up? So today we will discuss the part 2 of our Indian judiciary. So let's discuss the jurisdiction of Supreme Court of India. Adhikar Kshetra Supreme Court ka. Okay, so let's start. So as you know, there were 3-4 types of jurisdiction of Supreme Court as mentioned in our constitution. The first one is original jurisdiction. Article 131, writ jurisdiction, then appellate jurisdiction, then advisory, then a court of record, and then power of judicial review. Okay, so let's discuss one by one. So first of all, we will discuss the original jurisdiction as mentioned in Article 131. Its jurisdiction is original and exclusive. Under original jurisdiction, which type of cases that Supreme Court deals with? It includes the dispute must involve a question of law or fact on which the existence or extent of a legal right depends. Okay, iska matlab ye hua sir, agar kisi bhi kanoon ya kisi bhi fact se related agar koi dispute arise hua between center and one or more state, or between center and any state, or state on one side and one or more state on other side, or between two or more state, theek hai, kisi लॉ या फैक्ट से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, उस केस में, ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, दैट इज पॉलिटिकल क्वेश्चन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट. नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूडेड हैं इसमें से. द नेक्स्ट थिंग इज नो प्राइवेट सिटीजन सूट विल बी एंटरटेन्ड. ओके, कोई प्राइवेट सिटीजन इसमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नहीं जा सकता, उसका कोई जो दरख्वास्त है, उसकी कोई जो याचना है, वो इसमें एंटरटेन नहीं की जाएगी. ओके, द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, दैट इज फेडरल डिस्प्यूट्स इसमें एंटरटेन किए जाएंगे. जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेंटर एंड वन और मोर स्टेट ऑन वन साइड, और सेंटर एंड वन एनी स्टेट, और स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन अदर, एंड द लास्ट वन इज बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. ओके, यानी दीज टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स आर नोन एज फेडरल डिस्प्यूट्स. Original jurisdiction not extend to following matters, for example, like dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement or covenant or engagement. अगर pre-constitution कोई treaty हुई पड़ी है, अगर दो या दो से अधिक state या center के बीच में अगर कोई dispute हो रहा है, तो उससे related matters नहीं देखेगा Supreme Court, ठीक है. Interstate water dispute भी नहीं देखेगा, ये article 262 के अंदर है, आपको पता ही होगा. इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट भी आया था, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट बना था 1956 में. कोई भी दो स्टेटों के बीच में अगर नदी को लेकर, अगर रिवर के किसी रिवर के वाटर को लेकर अगर डिस्प्यूट होता है, तो उनके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं, जैसे गोदावरी कृष्णा ट्राइब्यूनल, ठीक है, अलग अलग नदियों के बनते हैं, ठीक है. और इसमें और कौन कौन से मैटर्स एक्सक्लूड होंगे, जैसे कि फाइनेंस कमीशन रिलेटेड मैटर्स, और एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और पेंशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कमर्शियल नेचर ऑफ डिस्प्यूट, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, ये इसमें नहीं आएंगे, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नहीं आएंगे. और रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट सेंटर. उसके बाद नेक्स्ट जुरिसडिक्शन की तरफ चलते हैं, रिट जुरिसडिक्शन, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ. इट इज़ द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल का मतलब होता है सर, एग्रीव्ड कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील. ये नहीं कि आपको हाई कोर्ट बोलेगा तब कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो, तभी आप जाओगे, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो. ओरिजिनल का मतलब ये होता है. और नॉट एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है सर, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सर सिर्फ और सिर्फ रिट जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन यहाँ लिखा है नॉट एक्सक्लूसिव, यानी कि रिट जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी किसी के पास है, यानी कि ये रिट जुरिसडिक्शन है सर आपके हाई कोर्ट के पास भी अंडर आर्टिकल 226. ओके, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज फॉर अदर पर्पसेज ऑल्सो. लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है सर, ये देखने वाला पॉइंट है, दैट पार्लियामेंट कैन कन्फर ऑन सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू रिट फॉर अदर पर्पसेज ऑल्सो. लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को पावर दे सकती है टू इशू रिट्स फॉर अदर पर्पसेज ऑल्सो. और रिट्स हमारे 5 तरह के होते हैं सर, हैबियस कर्पस, मंडामस, प्रोहिबिटरी, क्यू वारंटो, सर्शरी. ओके, तो ये रिट्स हम अलग से अलग वीडियो में जाके डिस्कशन करेंगे इसकी, ठीक है, अलग से. उसके बाद आती है सर एपलेट जुरिसडिक्शन, यानी कि कौन कौन से वो मैटर्स हैं जिसमें हाई कोर्ट
आपको सर्टिफाई करेगा कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर सकते हो। वो कौन कौन से मैटर हैं सर? चार तरह के मैटर होते हैं सर। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। अगर इफ हाई कोर्ट सर्टिफाई दैट केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस केस में जिसमें संविधान की इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है, देन पार्टी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। उस केस में आप सर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। दूसरा सर सिविल मैटर्स। अगर हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया दैट केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, ओके कोई जनरल इंपॉर्टेंस का मैटर है, या फिर व्हेन क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट ने अपने आप ही बोल दिया कि भैया ये मैटर आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ, ठीक है, तो उस केस में आप अपील कर सकते हो किसको? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है सर। और सिविल मैटर्स में कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। पहले मॉनेटरी लिमिट होती थी कि सपोज 10,000 या 50,000 से रिलेटेड मैटर है तो ये आप 50,000 का महंगा मैटर है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, लेकिन अभी कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा मैटर है सर क्रिमिनल मैटर। सर क्रिमिनल मैटर, अगर हाई कोर्ट ने रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल ऑफ एक्यूज्ड एंड सेंटेंस्ड हिम डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 ईयर, अगर हाई कोर्ट ने अपने नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट का अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट का केस ले लिया है, ठीक है, उससे केस ले लिया है अपने पास, और सपोज उसने बाइज्जत बरी कर दिया था, ठीक है, उस गुनहगार को, ठीक है, लेकिन जो एक्यूज्ड के जो घर वाले थे उन्होंने दोबारा केस कर दिया हाई कोर्ट में, ठीक है, और हाई कोर्ट ने उसको डेथ की पनिशमेंट दे दी या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 ईयर्स, तब उस केस में आपकी अपील बनती है सर कि भाई पहले तो मेरे को सबॉर्डिनेट कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट ने मेरे को दोबारा से डेथ और दोबारा नया जो सेंटेंस दिया है डेथ और इम्प्रिजनमेंट दिया है लाइफ की और 10 साल की, ठीक है, या फिर 10 साल की, तो इसलिए मेरी अपील बनती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और दूसरा है सर अगर हाई कोर्ट अपने आप ही केस ले लेती है सबॉर्डिनेट कोर्ट से, ठीक है, और सेंटेंस उसको कर देती है डेथ या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 ईयर्स, तब उस केस में भी आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। और लास्ट है सर जब हाई कोर्ट अपने आप ही सर्टिफाई कर देगी दैट केस इज फिट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स के अंदर। उसके बाद आता है सर अपील बाय स्पेशल लीव। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन सेपरेट स्पेशल लीव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट सर अपनी मर्जी से, उसकी डिस्क्रिशन पावर है कि वो आपको एग्रीव्ड को, जो बंदा एग्रीव्ड है उसको स्पेशल लीव पिटीशन दे देगा। यानी स्पेशल लीव पिटीशन है क्या सर? इट प्रोवाइड एग्रीव्ड पार्टी अ स्पेशल परमिशन टू बी हेयर्ड इन एपेक्स कोर्ट। आपको स्पेशल परमिशन दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया आपकी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, इन अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। सर ये चीज़ ध्यान रखना, पेपर में आपको ये दे देगा कि ट्रिब्यूनल के केस में नहीं जा सकते, नहीं सर, एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट द मिलिट्री कोर्ट और कोर्ट मार्शल, ये चीज याद रखना, एक्सेप्ट, ओके। उसके बाद आता है सर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 143। दिस आर्टिकल ऑथराइज द प्रेजिडेंट टू सीक ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन टू कैटेगरीज, ठीक है, कि प्रेजिडेंट ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का दो केसेस में। सर दो केसेस कौन से हैं? अगर इफ देर इज अराइज ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट, लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अगर पब्लिक रिलेटेड क्वेश्चन है देन प्रेजिडेंट ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के पास चॉइस है, इट मे टेंडर, टेंडर का मतलब होता है सर ऑफर, इट मे ऑफर और रिफ्यूज इट्स ओपिनियन टू प्रेजिडेंट, उसकी मर्जी है सर प्रेजिडेंट को वो एडवाइस दे या ना दे, ठीक है। और दूसरा केस है सर अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट, उस केस में सर सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेजिडेंट, उस केस में सुप्रीम कोर्ट को जरूरी है ओपिनियन देना। तो बच्चे गड़बड़ी इसमें क्या कर देते हैं सर, लोग बच्चे सोचते हैं कि इसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस है तो इसमें तो मस्ट होएगा, लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है सर वो या ऑफर करेगा या नहीं करेगा, और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट में उसको देना ही देना है, मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू प्रेजिडेंट, ठीक है सर। प्रीलिम्स में ये थोड़ा सा गड़बड़ी कर देते हैं। इन बोथ केसेस सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन इज एडवाइसरी, ये चीज ध्यान रखनी है, एडवाइसरी रहेगा इसमें, नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, दैट इज प्रेजिडेंट मे फॉलो और नॉट फॉलो द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके, दिस इज द एडवाइसरी ज्यूरिस्डिक्शन। उसके बाद आता है सर अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 129। इसका मतलब क्या है? जितनी भी जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स और एक्ट्स हैं दे ऑल वर टेकन एज रिकॉर्ड्स, बट ऑब्वियस इज अ परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी, ठीक है, जैसे आपके फोन में होते हैं सर ड्राफ्ट्स ऑलरेडी सेव्ड होते हैं, ठीक है,
एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंटरी वैल्यू। सर इसको एविडेंट के लिए ये बोल सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे केशवानंदा भारती केस है, ठीक है, 1973 का, उसमें आप बोल सकते हो सर इसमें आपने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है, हमारे इस जो केस में बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा है, तो यू कैन दैट केस मस्ट बी एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंटरी वैल्यू। ओके, रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी क्वेश्चन व्हेन प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पावर टू पनिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आप कोर्ट का उल्लंघन करोगे सर, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, चाहे हाई कोर्ट का, चाहे सबॉर्डिनेट कोर्ट का, चाहे किसी ट्राइब्यूनल का, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सर आपको पनिश करने की, ये चीज ध्यान रखिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या? सबसे पहली बात, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए, ये प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाज मेंशनड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह से कंटेम्प्ट होता है, दो तरह से उल्लंघन होता है, पहला सिविल और दूसरा क्रिमिनल। सिविल कैसे होता है सर? विलफुल डिसोबिडेंस टू एनी जजमेंट और रिट और ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिए हैं या जजमेंट पास किए हैं, कोई रिट इशू की है, ठीक है, आप डिसोबिडेंस उसको ओबे नहीं कर रहे सर, ठीक है, आप उसको मान नहीं रहे, आप कह रहे हो मैं नहीं मानता, ठीक है, उस केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। दूसरा सर क्रिमिनल, अगर पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एन एक्ट विच स्कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, और दूसरा सर प्री जुडिस और इंटरफेयर विद जुडिशियल प्रोसीडिंग के साथ आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, या इंटरफेयर और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैटर, ठीक है, ये सब चीज़ें करोगे तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो जो क्रिमिनल दृष्टि से देखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ नोट करने वाली है दैट रीजनेबल क्रिटिसिज्म, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल रिसेंट का ही ले लो, अभी राम मंदिर बना, ठीक है, लेकिन मुसलमानों का जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने उसको क्रिटिसाइज किया है कि नहीं ये जजमेंट ठीक नहीं है, तो उन्होंने रीजनेबल क्रिटिसिज्म दिया, ठीक है, रीजनेबल क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट्स और कमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ जुडिशरी नॉट अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ठीक है। उसके बाद होता है सर जुडिशियल रिव्यू की पावर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जुडिशियल रिव्यू फेस सबसे फ्रेज जो है, सबसे पहली बात, नो वेयर मैंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है, लेकिन लेकिन बट प्रोविजन ऑफ सेवरल आर्टिकल्स, जैसे कि आर्टिकल 13, 32, 131 से लेके 136 तक, उसके बाद 143, 145, 143, 145, 226, 246, 256 एक्सेट्रा एक्सप्लिसिटली कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास है, सिर्फ हाई कोर्ट के पास नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लीगल इनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। कहीं आप सोचो कि सिर्फ सेंटर के लिए, ना, सेंटर और स्टेट दोनों के, अगर कोई भी उन्होंने लीगल कोई कानून बनाया या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया, उसकी लीगैलिटी या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करनी है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू पावर का एम क्या है? फर्स्ट, टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि जो संविधान है उसकी गरिमा बनी रहे, ठीक है, और दूसरा है सर मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट। तीन केस हैं सर जुडिशियल रिव्यू पावर का, तीन एम है सर, पहला सुप्रीमेसी मेंटेन रखना, दूसरी फेडरल इक्विलिब्रियम, तीसरा फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद आता है सर कब अप्लाई कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू तब अप्लाई करेंगे इफ देयर इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि हमारे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होगा, और दूसरा आउटसाइड, जब किसी कानून की जो अथॉरिटी है उसने बना दिया एंड ही इज आउटसाइड द एंड दैट लॉ इज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ अथॉरिटी विच हैज फ्रेम्ड, ठीक है, मतलब उसकी औकात नहीं है लेकिन उसने बना दिया उस केस में, और तीसरा है रिपंगनेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ है, उस केस में जुडिशियल रिव्यू अप्लाई कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज रिव्यू, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।